नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, इसमें क्या दिया था कि तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं हमें एसी सर्किट के, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी है 1 वोल्ट और रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी है 3 वोल्ट, ऐसा हमारा सर्किट है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया भाई नेट वोल्टेज बताओ क्या होती है। तो इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, फेजर डायग्राम बना लो। वोल्टेज और करंट दोनों सेमी फेज में होता है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था प्लेलिस्ट पे, इसी पे था कि वोल्टेज अगर रजिस्टर के अक्रॉस और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। करंट, नेट करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में कितना एंगल होता है 90 डिग्री आगे होता है, और वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस होती है 90 डिग्री पीछे होती है। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। अब इसको और मॉडिफाई कर लो भाई, इधर नेट कितना है 2 माइनस 1, तो VL माइनस VC कितना आ गया 2 माइनस 1, मेरा कितना हो गया 1 वोल्ट। यहां तक समझ आ गया? तो मैंने बाय डायरेक्शन में निकाल लिया अपनी नेट वोल्टेज 2 माइनस 1, ठीक है, और इसको उठा के मैंने यहां रख दिया 1 वोल्ट, ठीक है। और इसके अक्रॉस कितनी है मेरी रजिस्टर के अक्रॉस मेरी वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट, कितनी है भाई 3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट हो गया और ये भी कितना हो गया 3 वोल्ट। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। तो भाई सबको पता है ट्रायंगल रूल, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो नेट रिजल्ट क्या होता है, ये वेक्टर, ये नेट वोल्टेज होगी मेरी, ये होगी रिजल्टेंट वोल्टेज। अब क्योंकि हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो नेट वोल्टेज कितनी होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, √10। तो मेरी नेट वोल्टेज कितनी आ गई 10 वोल्ट। तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है आंसर, ठीक है, वो तो ऑप्शन में तुम देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट में ही गिवन था। तो इस तरह से हम इंडक्टिव सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसमें, नीट में। समझ आ गया सबको? फेजर डायग्राम बनाना है, नेट वोल्टेज निकालनी है और फिर सीधा सीधा क्या निकाल लेना है, पाइथागोरस से वोल्टेज आ जाएगी। क्लियर है? नहीं। इसमें हमने क्या सीखा कि करंट और वोल्टेज में इंडक्टर के अक्रॉस कितना एंगल होता है 90 डिग्री, वोल्टेज के अक्रॉस ज्यादा होता है भाई, वोल्टेज मतलब लीड करती है, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लैग करती है, करंट लीड करता है 90 से। तो ये ना हमारा प्योर इंडक्टिव है, ना ही प्योर कैपेसिटिव है, ना ही प्योर रेजिस्टिव है। ये हमारा एक टिपिकल कंपोनेंट सर्किट हो गया जिसमें सारे ही हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है एसी के। थैंक यू वेरी मच।